everyone. Today I, Chehe Kalra, welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. Today we are going to start with a new chapter and that is combustion and flame. सबसे पहले ये discuss करते हैं combustion होता क्या है. So it says combustion क्या है? एक chemical process है. Chemical process का मतलब कि कोई reaction हो रहा है और reaction किस purpose के लिए हो रहा है? Purpose है इसका कि ये जो reaction है वो heat देगा. किसके साथ react करने पर? In oxygen. I repeat, when any substance burns in oxygen to give off heat, that is called as combustion. ठीक है, so ये chemical reaction हो गया और जो substance ये undergo करता है, इस substance के बारे में बात हो रही है, इसको हम बोलते हैं या तो combustible substance या हम इसको बोलते हैं fuel. Fine. The fuel may be solid, liquid or gas. ऐसा कुछ नहीं कि आप से solid को burn करेंगे तो मिलेगा. आप कोई भी चीज ले सकते हैं. Sometimes light is also given off during this combustion, either as a flame or as a glow. तो यहाँ पे heat plus light आता है. Okay. But this light is not always necessary. Now those substances which are burning, मतलब जो कर सकते हैं, जो ये reaction show करते हैं, उसको हम बोलते हैं combustible substance, जैसे kerosene है, जैसे wood है, जैसे paper है. So substances that produce heat and light, they are called combustible substance or fuel. एक ही बात है. So example क्या हो गया? Paper, wood, kerosene oil, etc. हाँ, तीनों को अलग अलग temperature चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन तीनों burn तो करते हैं ना, तीनों heat और light तो देंगे ना, वो चीज हम कह रहे हैं. So now you have example of incombustible substances जो आपके burn नहीं करते, आप जितना मर्जी कर लीजिए. ये non-combustible substances जैसे water, जैसे glass या cement. अब यही वाली तीन चीजें आपके useful रहेंगी किस लिए? अगर मुझे आग को बुझाना है. ठीक है, सो ये वाले सब्सटेंसेस में हीट और लाइट नहीं प्रोड्यूस होती, ना ही ये बर्न करे जाते हैं. सो दे डू नॉट बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है. इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर है जो आपको एक सब्सटेंस को देना पड़ता है ताकि फायर कैच करे. मेरे कहने का ये मतलब है, मान लेते हैं कि वुड है. अब वुड इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ता, यही अगर केरोसिन ऑयल है, छट से आग पकड़ लेगा. तो कहने का मतलब क्या है कि जिस जो कम से कम टेम्परेचर आपको देना पड़े ताकि सब्सटेंस कैच कर जाए फायर को, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. कम से कम टेम्परेचर. सो द ओवर हियर द लोएस्ट टेम्परेचर यू हैव. ओके, कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जब तक वो अटेनेबल नहीं होगा तब तक वो टेम्परेचर जो सब्सटेंस है वो फायर कैच नहीं करेगा. नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन, कौन सी नेसेसरी कंडीशन है कि ये तो आपको देनी ही पड़ेंगी. सबसे पहला क्या है? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस. सब्सटेंस होगा उसी को तो जलाओगे. सो फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस. सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन. सपोर्टर कौन है? ऑक्सीजन. तो ये भी होना जरूरी है. थर्ड क्या है? अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. कम से कम वो टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा. सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट. ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही पैरामीटर पर है. मैं ये नहीं बोल सकती कि ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला कम इंपॉर्टेंट है, या उसके बिना काम चल जाएगा. नहीं, तीनों एक बराबर इंपॉर्टेंट है. सो नाउ वी मूव ऑन टू इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका काफ़ी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, बहुत ईजिली फायर कैच कर लेते हैं. दैट इज दे हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड दे कैच फायर ईजिली विद अ फ्लेम. ठीक है, बहुत आसानी से कर लेते हैं. यानी कि इसको ये भी हम बोल सकते हैं कि आप इनका थोड़ा सा भी फायर देंगे, दे विल कैच फायर. ओके, सो एग्जाम्पल्स क्या है? पेट्रोल, एल्कोहल, LPG एक्सेट्रा. अब जी मान लेते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस है, फ्यूल है, जो भी है, आपकी फायर लग गई है. अब उस फायर को बुझाना हो तो क्या करेंगे? सिंपल तरीका, जिनके वजह से लगी थी उन तीनों में से कोई एक चीज को हटाओ, धीरे धीरे फिर बाकी वाले फैक्टर्स भी कंट्रोल हो जाएंगे. सो हाउ डू वी कंट्रोल फायर? फर्स्ट इज कंडीशंस नेसेसरी क्या है? फ्यूल है, एयर है, हीट है.
सो फ्यूल कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, आप इन सबको हटा सकते हैं। तो क्या करना है, तीनों में से कोई भी एक चीज को हटाओ तो धीरे धीरे करके यू कैन कंट्रोल द सिचुएशन। फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल और बोथ एंड हेंस कंट्रोल इट। सो यूजिंग वाटर एज फायर एक्सटिंग्विशर, अब हम कैसे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले हम आपको वाटर के बारे में बता रहे हैं कि आप कैसे उसको यूज करके फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। सो वाटर कब वर्क करता है, अच्छा ये बहुत जरूरी है, अगर मान लो एक छोटे स्केल पे घर पे भी आग लग जाती है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केमिस्ट्री लैब में तब लग जाती है, तो आपको सिर्फ पानी से नहीं होती हर बार चीज, समझे कब क्या कैसे यूज होता है। वाटर तभी वर्क करता है जब वुड और पेपर हो फायर में, सबसे इंपॉर्टेंट वेरी स्टार पॉइंट, ठीक है, हर बार नहीं यूज करते, सिर्फ वुड और पेपर के लिए यूज करते हैं। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लगी है तो आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्यों, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और उससे जो फायर बुझा रहा है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी उस पानी के थ्रू कंडक्ट कर जाएगी और उसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, इसलिए कभी भी ये चीज यूज नहीं करते अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर प्रोड्यूस हुई हो। वाटर इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल की वजह से लगी हो या ऑयल की वजह से लगी हो तो भी इसको यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि ऑयल और वाटर में वाटर हैवियर होता है तो जो चीज हैवियर होती है वो नीचे आ जाती है और ऑयल ऊपर, ऐसा होता है, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप, जिसको बुझाना था वो तो वैसे का वैसे ही रहा तो फायदा क्या हुआ, तो इसलिए इस चीज को हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो आप कब यूज करते हैं वो देखते हैं। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लाइक योर पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बेस्ट एक्सटिंग्विशर, कहने का मतलब है जहां पर आपकी जो चीजें वहां मैंने ना बोले ना यहाँ पे हाँ, सिंपल चीज, वहां मैंने बोला कि अगर ऑयल और वाटर की वजह से लगी हो तो मत यूज करना, यहाँ यूज कर सकते हैं, अगर वाटर उसके वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो CO2 being heavier than oxygen, they covers the fire like a blanket. तो इसलिए ही CO2 को हम क्या बोलते हैं, नॉन सपोर्टर ऑफ combustion. ठीक है, सिंस कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ द फायर इज कंट्रोल, आपने जैसे ही ये वाला डाला तो CO2 का एक ब्लैंकेट बन जाएगा, ब्लैंकेट बन जाएगा तो ऑक्सीजन से सप्लाई खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन से सप्लाई खत्म तो वन ऑफ द मेजर थिंग फिनिश हो जाएगी, तो फायर का जो स्प्रेडिंग वाला प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इन दिस वीडियो वी बेसिकली अंडरस्टूड कि कंबशन क्या होता है, कंबशन में हमने फ्यूल पढ़ा, कंबस्टेबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस, कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, दैट इज योर कंबस्टेबल सब्सटेंस, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर एंड सपोर्टर ऑफ कंबशन विच इज ऑक्सीजन। फिर अब आग लग गई है तो उसको बुझाएंगे कैसे, फायर एक्सटिंग्विशर से। फायर एक्सटिंग्विशर भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक वाटर वाला और एक CO2 वाला। सो हमने बेसिक आइडिया लिया और हमने इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी समझे हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू मे लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।